गाइज वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थाट्स आपके लिए क्या हैं। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो है मैं ये वाला जो डेक है इसको मैं शफल करके रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिर कुछ चीज़ों को क्लियर करने के लिए हेल्प करेगा। तो मुझे जब भी क्लैरिफिकेशन के लिए चाहिए होगा तो मैं सीधा यहाँ से कार्ड निकालूँगी। तो मैं पहले इसको शफल कर लेती हूँ गाइस, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको शफलिंग पसंद नहीं है तो। प्लीज़ मुझे हेल्प कर रहे हैं क्लैरिफिकेशन के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए हेल्प कर रहे हैं। ओके हमारा जो मेन डेक है वो ये वाला है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इसको भी यहाँ रखेंगे। लेट्स सी कि करंटली आपके जो पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, करंटली वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स यहाँ पर हेल्प करें हमें, प्लीज़ हेल्प यूनिवर्स। एट ऑफ कप्स, द टेम्परेंस, फाइव ऑफ सोर्ड्स, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, एंड यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से है सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि इमोशनल नीड्स को बताती है। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कीजिए। अच्छा दो कार्ड्स आ रहे हैं, तो मैं दो कार्ड्स ले रही हूँ। कार्मिक ओके सी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ रिश्ता ख़राब हुआ, इन्होंने आपका दिल तोड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हो दो रास्ते हो रखे हैं, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, या मैं कहूँ कि वो तो चल दिए हैं क्योंकि उनके तो कदम बढ़ गए हैं, लेकिन आप वहीं रुक गए। आप पलट के अभी भी देख रहे हो क्योंकि आप वहाँ से नहीं निकल पा रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पर टावर कार्ड है, यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड्स है, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं चीट किया है। वो किसी और के साथ भी रिलेशनशिप में थे, किसी और से भी बातें कर रहे थे, वो आपके साथ भी थे, उन्होंने आपको क्लियर नहीं किया, आपसे रिश्ता ख़त्म नहीं किया, आपको उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन चीट किया उन्होंने आपको, मैं ये देख रही हूँ यहाँ पर। सो ये चीज़ें आपके सामने आई, या मैं ये कहूँ कि उन्होंने खुद आके ये चीज़ बोली आपको कि मुझे नहीं रहना है साथ। रीज़न पूछा तो उन्होंने रीज़न में किसी और पर्सन का नाम लिया कि मैं जो है उससे प्यार करता हूँ या उसके साथ मुझे रहना है। सो ऐसी कोई सिचुएशन बनी, या फिर आपके सामने चीज़ें आई सडनली एंड आप शॉक्ड रह गए ये क्या हुआ, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था कि पर्सन ऐसा करेगा। तो यहाँ पर मुझे क्लियर एक चीज़ दिखाई देती है, चाहे वो ऐसे हो, सीधे हाथ से हो, उल्टे हाथ से हो, ऐसे या वैसे, जैसे भी देखो, लेकिन यहाँ पर चीटिंग है,
कि यहाँ पर चीट किया गया है, ऐसा दिखाई देता है, झूठ बोला गया, यहाँ पर धोखा दिया गया है. ऑलराइट. एंड जैसे मैंने फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई किया, इसने बताया इट्स अ कार्मिक रिलेशनशिप. ओके. ये जो इन जिन जिनका इनके साथ अभी रिलेशनशिप है, जो थर्ड पार्टी है, उनके साथ कार्मिक रिलेशनशिप है इनका. और मुझे यहाँ पर जो है वो कार्मिक का जो है चीज़ें भी अब ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मुझे एक चीज़ यहाँ पर समझ में आई है, मैं अभी क्लियरिफाई भी करूँगी. सो यहाँ पर कार्मिक चीज़ें देखो ज़्यादा टाइम नहीं चलती हैं, ये एक टाइम के साथ आती हैं और टाइम तक रहती हैं. अब डिपेंड करते हैं कि किसका कितना बड़ा कार्मिक साइकिल है, तो उस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं. तो बस यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं. ओके. तो टावर कार्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स. दिस सन क्लियरिटी, यू नो, जब जब अंधेरा होता है, मानो कि जब रात होती है तो अंधेरे में हमें कुछ नहीं दिखाई देता, राइट. अंधेरे में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन उजाला होते ही हमें सब कुछ क्लियरली दिखाई देता है. जैसी रोशनी हुई, जैसी उजाला हुआ, सब दिखाई देने लगता है. तो यहाँ पर देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इनको जैसे का तैसे वाला सीन भी मिला है. इन्होंने जो आपके साथ किया ना, इनको उनके साथ उस थर्ड पर्सन ने किया है. मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई देता है कि थर्ड पर्सन भी कहीं ना कहीं इनको चीट कर रही थी या चीट कर रहा था, जो कि इनके सामने आई हैं चीज़ें. ऑलराइट. एंड यही यहीं से एक हो जाता है एनर्जी का चेंज होना शुरू, जो कि मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर. ये जो बॉटम ऑफ द डेक से है ना, सेवन ऑफ कप्स इमोशनल नीड्स का कार्ड, ये इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट है. ऑलराइट. सो यहाँ पर देखो अभी हो ही रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बैठ करके इस बारे में सोच रहे हैं. यहाँ पर आप देखो एनर्जी, वो बैठ करके अभी आपके साथ जो रिश्ता था उसके बारे में सोच रहे हैं. आपके साथ जो यहाँ पर देखो दो प्यारे प्यारे से हार्ट भी रखे हुए हैं, यू नो, और यहाँ भी देखो सन है, एक उजाला आना, उजाला हुआ तो दिखा कि रियल लव क्या होता है, एक अट्रैक्शन क्या होती है, या किसी मतलब से बनाया गया रिश्ता क्या होता है. अब मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो ये एक अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन था इनका थर्ड पार्टी के साथ, कि एक अट्रैक्शन इनको हुई, फिजिकली अट्रैक्शन मुझे दिखाई देती है, ठीक है. क्योंकि यहाँ भी जो है नाइट ऑफ वॉन्स एक क्लियर एनर्जी को भी बताता है, नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड. सो सिंपल है कि था ही कार्मिक, तो कार्मिक में अट्रैक्शन ही होती है, सिंपल सी चीज़. ओके. अभी जो है ये उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि रियल लव क्या होता है, एक अट्रैक्शन क्या होती है. ऑलराइट. अभी आप ये कह सकते हो कि इनको अब उस तरफ ज़्यादा कुछ अट्रैक्शन बची भी नहीं है, यू नो. जैसे होते ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों का ना हमारे साथ ऐसा एक इंटरेक्ट हो जाता है कि जिसके बाद हमें उस इंसान के नाम से भी गुस्सा आता है, यू नो. ये भी कहीं ना कहीं एक वोंड्स ही होते हैं, ये भी इस तरीके के भी, इनको भी हीलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसा करना अच्छी बात नहीं है. ठीक है, नई पसंद, हम उनसे दूर रहेंगे, लेकिन एक हो जाती है लेकिन एक एनर्जी कि भाई मुझे तो उसको देखना ही नहीं है, मुझे तो उसके नाम से भी अब गुस्सा आता है, वैसा वाला कुछ यहाँ पर सीन चल रहा है हाल फिलहाल थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का, ठीक है. अब यहाँ पर एस ऑफ कप्स प्रेजेंट है. एस ऑफ कप्स एक न्यू बिगनिंग को बताता है, जो कि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर सोच तो रहे हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की, लेकिन यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, जो कि चैलेंजिंग को बताते हैं. चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं. इनके दिमाग में आता है कि हाँ, मतलब इनके है कि इनको आपके साथ आगे बढ़ना है, फिर से इन्होंने रियलाइज़ किया ये चीज़. और जब ये सोचते हैं आपके साथ आगे बढ़ने का, तो उनको दिखाई देता है कि तो काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है अब, क्योंकि मैंने उसको धोखा दे दिया. सबसे पहले तो वो मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं करेगी, वो मेरे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करेगी. और अभी इस वक्त इनको इमोशनली किसी की नीड है, क्योंकि इमोशनली ब्रेक है, ठीक है. तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है जैसे कि इनको इस वक्त ज़रूरत है आपकी. ये इस रिश्ते को इस एनर्जी से इस एनर्जी में बदलना चाहते हैं. मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, जैसे पहले हुआ करता था.
लेकिन ये जो हुआ है इसके बाद में, अब आपके पार्टनर को चैलेंजिंग लग रहा है कि इसको इस एनर्जी में कैसे बदले, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं, और कहते हैं कि विश्वास को तोड़ना बहुत आसान है लेकिन विश्वास बनाना बहुत मुश्किल है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि जैसे आपके पर्सन को भी ये चीज़ भी रियलाइज़ होती है विद द टेम्परेंस कार्ड कि आप बहुत मासूम थे और आपका दिल उन्होंने तोड़ा, उसकी सज़ा इनको मिल रही है, ये भी उनको फील हो रहा है, एग्जैक्ट सेम फील हो रहा है। कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ ठीक है भाई मेरे साथ हो गया, मुझे सबक मिल गया, अभी मुझे चीज़ों को ठीक करना है, लेकिन इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने किसी मासूम का दिल दुखाया, ये उसी की सज़ा मुझे मिले। ये एक्सेप्ट करना भी एक ईगो की बहुत बड़ी बात है, तो ये चीज़ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये एनर्जीज है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। दो कार्ड्स अगेन अगेन देखो, टावर एंड नाइन ऑफ कप्स। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि अभी इनकी सबसे बड़ी विश है कि आपको फिर से पा लें, बट टावर कार्ड से चैलेंजिंग लग रहा है क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं। इनका ये है कि क्या अब आप जो है इनको पहले के जैसे चाहोगे, पहले के जैसे प्यार करोगे, क्या अभी भी जो है आप इनके बारे में सोचते होगे। यू नो अभी इनकी एक विश है कि ये इस एनर्जी को बदल दे। किस एनर्जी के साथ? इस एनर्जी के साथ ये इनकी अभी विश है ये, ठीक है। क्यों मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं, एक तरीके से आप ये मान लो कि हाल फिलहाल एक अधूरापन सा भी अपनी लाइफ में महसूस कर रहे हैं। एक टाइम पर आपने ये चीज़ महसूस की थी, आप कर चुके हो उस चीज़ को महसूस, सेम वही चीज़ ये अभी महसूस कर रहे हैं। ये 8 ऑफ कप्स है, ये 9 ऑफ कप्स है। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स, दी एम्प्रेस, मुझे कुछ लोगों के लिए, देखो सबके लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपको शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं डायरेक्टली, डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो क्यों एक्सेप्ट करेगी मुझे शादी के लिए डायरेक्टली, क्यों प्रपोज करना चाहते, ताकि ट्रस्ट जो है, मतलब आपको ऐसा लगे कि अरे शादी के लिए मुझे बोल रहा है, मतलब ये सीरियस हो गया है, ठीक है, तो उससे एक ट्रस्ट आएगा। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी दिखाई देता है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई देता है जैसे कि आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग तो करना चाहते हैं, प्लस मैंने यहाँ पर कहा था कि लॉन्ग टर्म लेके जाएंगे इस रिश्ते को, लेके जाने के बारे में सोच रहे हैं और स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। तो जब ये लॉन्ग टर्म का ख्याल लाते हैं, जब आपसे शादी करने का ख्याल लाते हैं, तो इनको चैलेंजेस दिखाई देते हैं, और एक बड़ा चैलेंज मे बी इनके मदर है, मे बी इनकी मदर ने इनसे कहा हो कि तू कुछ नहीं करेगा, मैं लेके आऊँगी तेरे लिए लड़की, या मैं ढूंढूंगी तेरे लिए लड़का। मे बी ये इनके मदर के स्टेटमेंट्स है, इस वजह से इनको चैलेंजिंग लगता है। तो ये दो तरीके की एनर्जी थी जो मैंने बताया, तो चैलेंज एक ये भी है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द वर्ल्ड, क्यों मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पर्सन है उनको एक एक कॉन्फिडेंस इस बात का है कि वो मना लेंगे आपको, ठीक है। लेकिन उनका अभी ये है कि जैसे उन्होंने पहले आपको बोला ना कि ठीक है हम साथ रहेंगे, जो प्रॉमिसेस किए और वो पूरे नहीं कर पाए, ये अभी नहीं चाहते कि दोबारा से आए आपसे प्रॉमिसेस कर दें और फिर वो पूरे ना कर पाए, तो ये उस चीज़ को नहीं चाहते हैं आप अगेन, तो इसीलिए ये इतने आगे का सोच रहे हैं, और इतना आगे का सोच रहे हैं तो इनको चैलेंजेस भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स क्यों आए हैं? एस ऑफ कप्स इन द वर्ल्ड, द वर्ल्ड एक साइकिल कंप्लीशन को बताता है। इनका ये है कि अगर मैंने उसके साथ एक नई शुरुआत भी कर दी और फिर आगे जाके हमें अलग होना पड़ गया, तो आगे जा कर के मतलब एक सिर्फ लिमिटेड टाइम तक ही हम रह पाए साथ, तो फिर उसको मैं और ज़्यादा हर्ट कर दूंगा, ये तो फिर बार बार यही हो गया ना, क्योंकि अभी इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने उसका
वो बहुत मासूम थी या मासूम था, मैंने उसका दिल दुखाया, उसकी सज़ा मुझे मिल रही है। अब इनको इस बात पर भी डर लग रहा है कि अगर ये फिर से आपके साथ ऐसा कुछ करते हैं तो इनको फिर से सज़ा मिलेगी, तो इसीलिए बहुत आगे का भी सोच रहे हैं। और वो आगे का सोचने में इनको चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, और चैलेंजेस मैंने बताए जैसे कि किस टाइप के चैलेंजेस हैं, मतलब इनके दिमाग में खिचड़ी पकी हुई है, आप सीधी सी बात यही समझ लो, इनके दिमाग में बहुत बुरी अभी इस टाइम पर खिचड़ी पकी हुई है। थ्री ऑफ पैंटिकल की एनर्जी क्लियरिफाई करो, या देखो थ्री ऑफ पैंटिकल यहाँ पर अगर आप देखो तो ये इंगेजमेंट वाली वाइब्स मुझे देता है ये कार्ड। एंड यहाँ पर आ जाता है फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि फैमिली इशूज़ को बताता है। ये प्रे करते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ और हमेशा के लिए आ जाओ, लेकिन इनको भी दिखाई देते हैं चैलेंजेस, तलवार लटकी हुई है भाई इनके इनके सर के ऊपर, चैलेंजेस अगेन, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, ये सारी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं हाल फिलहाल, इन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं, इस तरीके की खिचड़ी इनके दिमाग में पकी हुई है। अब आप इनके जगह इस एनर्जी में रह के देखो, आपको महसूस होगा कि कैसा फील कर रहे होंगे। साइन की अगर मैं बात करूँ तो साइन मुझे जो यहाँ पर दिखाई देते वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, एंड सैजिटेरियस, धनु राशि। तो ये साइन स्ट्रांगली है। ओके यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? एक मैसेज जो आपके लिए सीडिंग से सिंपल सा आपके पर्स मतलब लाइक जो सिचुएशन चल रही है उसको मैं अगर एक सेंटेंस में बोलूँ तो आपके जो पर्सन है वो अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। ऑलराइट, प्लीज यूनिवर्स से हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। जॉय, गॉसिप, रिलीज, विक्टिम। ओके गाइस, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपको अपनी लाइफ से निकाल देना आपकी मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा है, आपकी हैप्पीनेस के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको हैप्पी रहने नहीं देते हैं, वो खुश रहने नहीं देते, कुछ ना कुछ उनका ऐसा ऐसा सीन या कुछ ऐसा बोल देना या कुछ ऐसा कर देना जो कि आपको हमेशा सैड करता है, हमेशा परेशान करता है, हमेशा दुखी दुखी करता है। उनको उनकी बातों को, कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि ऐसे लोग हैं, कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि ऐसे लोगों की कुछ बातें आपको बहुत ट्रिगर करती हैं, उनको हटा दो अपने दिमाग से, उनको निकाल दो अपने दिमाग से, मत रखो उन चीज़ों को अपने दिमाग में क्योंकि ये रुकावट पैदा कर रही हैं। ठीक है, ये रुकावट पैदा कर रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वाकई आपकी लाइफ में जो कि लोगों का कुछ अगर उनके उनकी लाइफ में कुछ गलत हो, कुछ बुरा हो तो वो उसमें जो है मज़े लेने लगते हैं, उनको खुशी मिलती है कि अरे वाह क्या एंटरटेनमेंट का वो मिल गया है। ठीक है, तो हर किसी के साथ अपना समझ के हर किसी को अपने दिल की बात भी मत कहो आप, क्योंकि आप अपना समझ के हर किसी को अपने दिल की बात बताते हो बट वो लोग आपके वेल विशर्स, ज़रूरी नहीं कि वो वेल विशर्स हों, कि ना वो ये चीज़ तो शो करेंगे कि हाँ बड़ा दुख हो रहा है उनको, लेकिन वो अंदर से बड़े खुश होंगे और चार लोगों में जाके उस बात को बताएंगे बड़े खुशी के साथ, देख ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, और खुद स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर जैसे ये है कि आप हर किसी के साथ अपनी बातें शेयर मत करो, पहली चीज़ तो, ठीक है। दूसरा, ऐसे लोग हैं जिनको आप झेल रहे हो तो उनको निकाल के बाहर फेंको अपनी लाइफ से, क्योंकि वो आपकी हैप्पीनेस वाली जो एनर्जी है ना उसको रोके हुए हैं, उनको जब आप निकाल के फेंकोगे तो स्पेस होगा और वहाँ पर हैप्पीनेस आएगी। ठीक है, हैप्पीनेस आएगी कहाँ अगर ऐसी एनर्जी में आप रहोगे तो ऐसे लोगों से बचो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ ना कुछ नेगेटिव आपको थॉट्स देते रहते, कुछ ना कुछ नेगेटिव आपको देते रहते, तो प्लीज़ उनसे दूर रहो जितना हो सके। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि
मुकर जाते हैं अपनी बातों से, है ना। ये मैसेज मुझे मिला कि मुकर जाना, आपसे कुछ बोला लेकिन चार लोगों के सामने उस बात से मुकर जाते हैं वो, और आप गलत बन जाते हो वहाँ पर, आप बुरे बन जाते हो। ऐसे लोग बाद में आपको कोई भी एक्सक्यूजेस दें कि यार ये था ही रीज़न, ये थे मत सुनो उनको, हटाओ अपनी लाइफ से। वो आपको फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये था रीज़न, समझ मेरी बात को। एंड आप यू नो दिल से सोच के अच्छा ठीक है मैं समझ गई, अंडरस्टैंडिंग वहीं दिखाओ, उतनी ही दिखाओ जितना कि आपको फ़ायदा पहुंचा दे। जब आपको लगे कि मैं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के चक्कर में अपने आप को ही परेशान कर रही हूँ, या मुझे ही बार बार जो है ऐसी चीज़ें फेस करने को मिल रही हैं, सो क्योंकि कुछ तो ऐसा डेफिनेटली है आपकी लाइफ में जो कि आपकी खुशियों को रोके बैठा है, आपको खुश नहीं रहने देता, हटाओ उसको अपनी लाइफ से, ठीक है। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।